ओके okay, सो हम लोग यहाँ पे क्लास 9 का मैथ्स में चैप्टर 1 देख रहे हैं। ओके okay, और स्पेसिफिकली हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देख रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 बच्चों, तो इसमें अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ट्रू या फॉल्स के बारे में बात की गई है। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर और नॉट। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक खोल के देखो, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या ये सही है? तो मैं कहूंगा हाँ ये सही है, इट इज ट्रू। क्योंकि देखो रियल नंबर जो होता है ना, रियल नंबर बना हुआ है रैशनल नंबर से, रैशनल से प्लस इरेशनल से। जैसा कि आपकी मैथ्स की बुक के अंदर जो डेफिनेशन है, रियल नंबर्स मींस कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ऐसा है। सो वी कैन से दैट यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हाँ, हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है, तो वो ट्रू होगा। और आप लिखेंगे यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। फिर सेकंड वन देखते हैं। सेकंड वन क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म। अगर नंबर लाइन पे कोई भी नंबर है वो किस तरह का है? इज ऑफ द फॉर्म रूट ऑफ एम, स्क्वायर रूट ऑफ एम, जहां पे एम इक्वल टू नेचुरल नंबर है। एम इक्वल टू नेचुरल नंबर। सो ऐसा होता है क्या कि आपने नंबर लाइन ड्रॉ की और उस नंबर लाइन पे आपको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के बारे में ही बात होगी? राइट, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि नंबर लाइन में तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो इन सब का क्या? एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन का हर एक पॉइंट वो एक नेचुरल नंबर है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो बात गलत होगी। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। आप लिखोगे कि नंबर लाइन हैज नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स एज वेल, नंबर लाइन हैज इंटीजर्स, नंबर लाइन हैज इंटीजर्स, नॉट जस्ट नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स के अंदर आता है नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो। ओके, तो यहाँ पे आप सेकंड में लिखोगे फॉल्स, फॉल्स मतलब झूठ, गलत। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, थर्ड नंबर की हम लोग बात करते हैं। थर्ड नंबर में लिखा है, अब देखो थर्ड नंबर में क्वेश्चन क्या है, आपके पास में है बुक, एक मिनट जरा देखता हूँ। हाँ, थर्ड नंबर इसमें लिखा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या ऐसा है कि हर रियल नंबर जो है वो एक इरेशनल नंबर है? होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड। तो अपने कंटिन्यू कर ले। नहीं, हम लोग को वहाँ पे कंपनी में जाके काम करना पड़ेगा, और पेमेंट भी मतलब अमेरिका की जो कंपनी है वो यहाँ की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता सिक्योरिटी, वैसे ही अगर आपके घर पे कुछ बोरिंग वाला काम है जो आपको नहीं करना चाहता, तो फिर ये मैं नहीं करूँगा। क्या बोलते ये लोग को ना, मैं ये वाला काम करता हूँ। थोड़ा सा अनइम्पोर्टेंट वर्क है या फिर थोड़ा दूसरा वर्क।
क्या इसका क्या करेंगे, फर्स्ट वाला ट्रू फॉल्स में एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इसमें मैंने यस क्यू बोला था नहीं, लेकिन वो है भी नहीं ना मेरे सामने, किसके साथ में शेयर करूं, क्यों शेयर करूं सामने है भी नहीं। चलो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, नहीं सॉरी, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, यस इट इज ट्रू। व्हाई व्हाई इट इज ट्रू, बिकॉज रियल नंबर, देखो ये देखो ये देखो, रियल नंबर हैज बोथ रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर, दोनों होते हैं, इसीलिए ट्रू है, ठीक है। फिर सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म दिस वेयर एम इज नेचुरल नंबर, तो मेरा आंसर था फॉल्स। व्हाई फॉल्स, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नंबर लाइन इट आल्सो हैज नेगेटिव नंबर्स, सो ऑल द पॉइंट ऑन नंबर लाइन आर नॉट जस्ट नेचुरल नंबर बट नेगेटिव नंबर एज वेल, सो फॉल्स। फिर थर्ड पॉइंट क्या था, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, गलत, क्योंकि रियल नंबर तो रैशनल नंबर भी होता है ना। रियल नंबर बनता कैसे है, रैशनल प्लस इरेशनल दोनों को मिला के बनता है रियल नंबर, तो क्या हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है, नहीं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर जो रैशनल नंबर है वो भी तो आ गया ना, सो फॉल्स। फिर ये मैं मिटा रहा हूं, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू लिखा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इसका मतलब पहले समझना बेटा, ठीक है, आप लोग इसमें समझ लो क्या पूछा है, आर द स्क्वायर रूट, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, ये क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, ये हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, 25 का स्क्वायर रूट जो आपको मिलेगा वो तो 5 है, और जो 5 है 5 को आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब कि आप उसको रैशनल नंबर बोल सकते हो, राइट, जबकि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोल रहे ऐसा कि जितने भी स्क्वायर रूट हैं पॉजिटिव इंटीजर के वो सब इरेशनल हैं, नो इट इज नॉट, यहाँ पे सिंपल लिखोगे नो, व्हाई, बिकॉज सपोज 25 का स्क्वायर रूट है, 25 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और 25 का स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो आपका आंसर आएगा 5, एंड 5 कैन बी रिटर्न लाइक दिस 5/1 in the form of in the form of rational number, so done, itna hi hoga beta, iska justification ya answer itna hi hoga, fir next karte hain, next hai question number 3, question number 3 mein ye bataya tha show root 5 on number line, theek hai, show root 5 on number line ye bataya tha, aur aisa hi kuch aap log ko test mein pucha tha, to ab main isko mita ke acche se bana sakun taki fir se hum is concept ko dekh sake। नहीं नहीं आप लोग को तो देखो, आप रफली कर सकते हो, रफली फटाफट आप लोग कर सकते हो रफली, क्योंकि जिसको आता है तो रफली ड्रॉ कर सकते हैं फटाफट, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मान लो एक नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका, हाँ, और कौन सी वाली लाइन, ये जरूरी नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं है, कितनी भी ले सकते हो, लेकिन हाँ एक मिनट, ये रूट 2 से बड़ी होगा ना बेटा ये, क्योंकि यहाँ पे जब लोगे, मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, फिर से देखना, यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ये खाली ऐसा आप एक्जैक्टली करेंगे वैसा, फिर ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ओके। अब आपको रूट 5 बनाने का है, नंबर लाइन पे रूट 5 अगर चाहिए तो ये रूट 5 कहाँ से आता है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें हेल्प करेगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में ये जो परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर वो हमेशा 1 लेना, उसको 1 लेना हमेशा, उसको हमेशा 1 लेना, और दूसरा वाला कुछ होना चाहिए अलग, ताकि आपका यहाँ पे आंसर रूट 5 आए। अगर आपने इसका 1 लिया और यहाँ पे आपने 2 लिया, तब जाके आपको ये रूट 5 मिलेगा। ए बी सी, इसको, इस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से समझा रहा हूँ, इस बार थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे हम लोग। देखो ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, तो ओहो ये गलत हो गया, हाँ राइट राइट, ए बी स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पे 5 आया, लेकिन जो 5 आया वो ए सी का स्क्वायर है, हमें तो ए सी फाइंड आउट करना है, ए सी मतलब रूट 5, ओके, ए सी मतलब रूट 5, तो
तो यहाँ पे जो AB है बच्चों, जो AB है इट इज द परपेंडिक्युलर। परपेंडिक्युलर का मतलब क्या होता है, वो लाइन जो 90 डिग्री बनाती है यहाँ पे, ये लाइन 90 डिग्री बनाती है AB, तो वो AB कितना है, वो है 1 और वो आपका परपेंडिक्युलर है। फिर BC वो 2 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। अभी किस तरह से इसमें बनाएंगे देखो, हम लोग को रूट 5 बनाने के लिए यहाँ पे पूरा वो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही आज का यहाँ पे एक नया है। देखो BC कितना है, देखना ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली कैसे करेंगे, 0 से लेके देखो एक साइड जो है वो 2 है, 2 है मतलब के आपका बेस 2 है, तो ये 0 से लेके 2 इतना ठीक है, ये आपका हो गया, यू कैन कॉल दिस BC, ये हो गया, या फिर हाँ ये होगा BC, सॉरी ये B और ये C। और यहाँ पे बेटा अभी मैं समझा रहा हूँ ठीक है, 0 से लेके 2, क्योंकि BC कितना है 2 है, तो आप एक ऐसा ट्राइंगल बनाओगे जिसकी एक साइड होगी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, और उसका हाइट कितना होगा 1, तो यहाँ से B से लेकर आप एक हाइट उसकी बनाओगे दैट इज 1, ओके ये बहुत ज्यादा बन गया, ओके तो ये 1 हो गया, सो C B और ये हो गया A, दिस पॉइंट इज A। अब आप यहाँ पे C और A को जो मिलाओगे ना, तो वो होगा आपका रूट फाइव। फिर जो प्रोटेक्टर या राउंडर जो आता है उसका एक पार्ट है ये वाला, और ये वाला जो पार्ट है वो पेंसिल वाला पार्ट, तो ये जो पार्ट है वो सी पे रखोगे उसका, और दूसरा वाला पार्ट रखोगे पेंसिल वाला पार्ट यहाँ पे रखोगे, ताकि आप एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस कितना हो, ए सी जितना हो, ए से लेकर सी, क्योंकि रूट फाइव तो हमने यहाँ पे बना दिया, हमको रूट फाइव नंबर लाइन पे बनाने का है। तो इस तरह से आपने एक पॉइंट यहाँ पे रखा और एक पॉइंट ए के ऊपर रखा, और फिर आपने एक आर्क बनाया, और वो आर्क आप यहाँ पे बनाओगे तो 2 और 3 के बीच में ही आएगा, ओके 100% परफेक्शन इसमें नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, राउंडर नहीं है, ओके उससे आप बना सकते हो। सो दिस इज रूट फाइव। अब ये जो नंबर है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप एक नाम दे दो, सपोज आपने इसको नाम दिया एम, सो हियर ओ एम इक्वल टू रूट फाइव, ओके ओ एम इक्वल टू रूट फाइव, ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया, मैं मिटाने जा रहा हूं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, ठीक है, क्वेश्चन 4 आपको थोड़ा ध्यान से एकदम करना पड़ेगा। क्वेश्चन 4 में आपको कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है, स्क्वायर रूट स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, एक पूरी डिजाइन होगी जो पूरा सर्कल कवर करेगी ऐसा, ठीक है, तो एक नंबर लाइन है ऐसे, यहाँ पे नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे आपने वैसे लिखा 0, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, वैसा। फिर एक एक करके हम लोग यहाँ पे बनाए, आपके बुक में यहाँ पे रूट 2 और रूट 3 बना हुआ है, ठीक है, तो रूट 2 कैसा बना हुआ है, ये हुआ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 1, ये हो गया आपका 1, ओके, और ये है 1, तो यहाँ पे ऊपर भी आपने 1 किया, 1 पॉइंट जितना ऊपर, जितना यहाँ पे उतना इधर 1, तो यहाँ पे हाइपोटेनस जो होगा वो होगा रूट 2, ओके, ये हमने पहले किया था, और ये जो पॉइंट है वो है पॉइंट P1, ऑलराइट, ये पॉइंट P1 है। इसके बाद इतना खाली आपको हिंट देता हूँ, आप याद रखना कि जब भी आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लो और उस राइट एंगल ट्राइंगल की आपकी हाइट बनाओ ना, हाइट, तो हाइट हमेशा 1 लेना, 1, वो आपको इसमें काम में आएगा, ठीक है, और सारे क्वेश्चन में जहाँ पे भी इस तरह का पूछा होगा वहाँ पे काम में आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइट आपने 1 ली, ये रूट 2 बन गया। अब आप दूसरा यहाँ पे बना रहे हो, यहाँ पे भी आप इस तरह से 90 बनाओगे, 90 डिग्री, यहाँ पे भी ये जो है ये पूरा वो हाइट 1 होगा, ठीक है, और O से लेकर यहाँ पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट P2, ठीक है, ये है P1, ये है P2, तो जब आपने P2 को ज्वाइन किया इससे, तो OP2 जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा रूट 3। कैसे आया रूट 3, ये पहले मैंने समझाया बेटा, आप लोग को कोई डाउट है इसमें, OP2 कैसे आया, ये जो ये वाला पॉइंट है O से लेकर P2, ये रूट 3 कैसे आया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक साइड है रूट 2 और एक साइड है 1, पाइथागोरस थ्योरम अगर आता है तो आराम से हो पाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर, BC स्क्वायर मतलब के रूट 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, AC स्क्वायर इक्वल टू 3 आया, तो AC इक्वल टू क्या आएगा, रूट 3, ठीक है, AC इक्वल टू रूट 3, मतलब कि ये जो पॉइंट है OP2 वो रूट 3 है। वैसे ही दूसरा लाइन बनाओगे यहाँ पे,
और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जब दूसरा एक ट्राइंगल बनाओगे ना तो वो भी 90 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 इसकी भी जो हाइट होगी वो 1 होगी, इसीलिए मैं ब्लैक वाला स्क्रीनशॉट स्क्रीन लेता हूँ क्योंकि उसमें हर कलर दिखता है पूरा। ये हो गया, ये जो होगा वो भी 1 होगा। अब यहाँ पे OP2 ये कितना आया था आपका, ये √3 आया था, व्हाट द हेल इट इज, OP2 हमारा √3 आया था ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें आपका बेस क्या है, OP2 जो है यहाँ पे √3 और ये है 1, तो 3 और 1 क्या होगा, 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, तो ये पूरा 2 होगा यहाँ पे। अब ये 2 कहाँ पे आएगा, ये 2 जब जॉइंट होगा तो इधर आएगा, दिस इज √4, √4, लेकिन √5 लेना होगा तो √5 फिर अलग से, ये हर बार बड़ा होता जाएगा, ये वाला जो लाइन है वो बड़ा होता जाएगा हर बार। जैसे फिर से यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल लिया, सॉरी 90 डिग्री वाली जो लाइन बनाई स्ट्रेट, ये 1 हो गया, और ये जब ज्वाइंट करेंगे फिर से तो ये होगा √5, हाँ √5, इस तरह से बनता जाएगा पूरा। और ये बनाते बनाते आप कहाँ तक बनाओगे, ये पूरा बनते बनते इस तरह से आएगा, यहाँ तक आएगा √17 तक आ जाएगा, √17 तक, ठीक है। आप लोग इसमें ट्राई कहाँ से कर सकते हो, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे जो मैंने समझाया वो एक और वीडियो में समझाया हुआ है जो मैं आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये आप एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हो, ओके, ये √17 तक बेटा, बेटा सबको सबको ट्राई करना है, खाली आपको नहीं बेटा, गुड। अभी मेरे सामने करके दिखा दे रहा हूँ, कम ऑन, ओके, यस यस बेटा, मेरे को वेरीफाई खाली करना है कि आप लोग को कहाँ तक इसमें किस किस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। बेटा जो आपका आयरन निकल आएगा वो हमेशा इसके ऊपर ही आएगा और पेंसिल दूसरी तरफ ऐसा, ठीक है। चलो √17 तक करना है, यस यस बेटा, ठीक है, घर से करके आना, चलो ये बकवास है, कुछ बच्चों ने चीटिंग किया, मैं उन लोग की बात लगाने वाला हूँ, आई प्रॉमिस दैट। चलो आगे करते हैं, नहीं नहीं बेटा वो सब नहीं बताने का, क्यों, चलो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स ये देख लेते हैं, इनके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, डेसिमल एक्सपेंशन हाँ ऑफ रियल नंबर्स, नहीं बेटा रहना जूम पे क्लिक नहीं कर पा रही थी, उसका चल नहीं रहा था नेटवर्क, शायद कुछ वीक होगा वहां पे, ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है टर्मिनेटिंग, क्या हुआ, नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं, मैं कट कहाँ करूँ, मैं ये यूट्यूब पे अपलोड करूंगा ना तो उसमें जिसके पास लिंक है वही देख पाएगा, मैं इसको पब्लिक नहीं कर रहा बेटा, दिस इज अवर ट्यूशन, ट्यूशन के बच्चों के लिए ही है, बाकी जिसकी इच्छा, बाकी हाँ जिसके पास लिंक होगी वो कर पाएगा, देख पाएगा, मतलब अगर आपने लिंक शेयर की किसी से तो वो देख पाएंगे, सुन पाएंगे कि आपने बोला था ऐसा, नहीं पब्लिक नहीं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो कि टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होने वाला एक्सपेंशन, जैसे कि हाँ इसका रिमाइंडर आप डिवाइड करो ना जब, तब उसका रिमाइंडर जीरो आ जाए, ऐसा ऐसा कब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2/10 सपोज, तो ये हो गया 1/5 और इसको भी जब आप डिवाइड करोगे ठीक है तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा 0.20, यहाँ तक खत्म हो जाएगा, डन फिनिश, तो ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो एक इस तरह के नंबर होते हैं, और आपने देखा इस नंबर को आप रैशनल नंबर लिखते हैं, ये एक रैशनल नंबर है, इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म p/q फॉर्म, p/q जैसे 1/5 फॉर्म लिखा यहाँ पे। दूसरा दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, ये पहले कॉन्सेप्ट आ चुका है लेकिन फिर से एक बार रिविजिट करें आप लोग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और वो भी क्या लिखा है, रिकरिंग, रिकरिंग मतलब खत्म तो हो नहीं रहा लेकिन अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, रिपीट करता जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ये है शिवम, देख रहे ना बेटा 1/3 अगर है ऐसा, ठीक है 1/3, तो 1/3 है, इसको अगर आप जब डिवाइड करोगे तो आई सपोज डिवाइड करना आ जाएगा, आएगा सबको, यहाँ पे ये छोटा नंबर है तो ये डेसिमल करके 0, 3 ज़ा 9, 1 बचा फिर से 0, 3 ज़ा 9, ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं कोशेंट, बार बार, ठीक है। तो ये 3 क्या होगा, ये 3 हर हमेशा आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, मतलब कि 1/3 जो है उसको आप इस तरह से लिखोगे, इस तरह से 3 3 3 आता जाएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे 0.3 और ऊपर बार, ठीक है,
बार एक नंबर के ऊपर है, मतलब कि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इस रैशनल नंबर को आपने इस फॉर्म में लिखा है और ये रिकरिंग है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिकरिंग भी है ये दोनों। अब तीसरे टाइप का जो नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है, बिकॉज उसमें क्या आता है, उसमें वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है प्लस नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब कि जब आप उन दोनों नंबर को डिवाइड करोगे तो ना ही आपको रिमाइंडर जीरो मिलेगा, कभी ना तो रिमाइंडर आपको जीरो नहीं मिलेगा, और आपको कोई रिपीटेशन नहीं नजर आएगा, किसी भी तरह का रिपीटेशन उसमें नजर आएगा नहीं, रिपीटेशन भी नहीं होगा और रिमाइंडर आपको जीरो भी नहीं मिलेगा, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पाई। पाई इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसकी लिखते हैं 22/7, लेकिन ये खाली अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। नहीं तो कोई बच्चा बोल देगा कि 22/7 मतलब रैशनल नंबर, नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बेटा। तो ये एक बार देखिए, अब देखते हैं आगे, अब जो आगे आने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं और हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 आई होप आप लोगों ने नहीं अभी की होगी ना, एक्सरसाइज 1.3 हो गई सबकी, ठीक है, स्कूल में हो गई। चलो तो यहाँ पे आप लोग का एक बार क्या रिवीजन जैसा हो जाएगा। ऑलराइट, अब करते हैं एक्सरसाइज 1.3। यहाँ पे क्वेश्चन 1 क्या लिखा है, हाँ देखिए बताइए, हाँ ये रहा, मैंने क्वेश्चन भी साथ में लिख रखा था, राइट इन डेसिमल फॉर्म। आपको क्वेश्चन 1 में क्या है, जो भी नंबर दिया होगा ना आपको उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, एक तो वो है, और दूसरा पूछा है कि वो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, वो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, इज इट अ रियल, इज इट अ टर्मिनेटिंग नंबर, इज इट नॉन टर्मिनेटिंग, इज इट रिकरिंग नॉन रिकरिंग, कौन सा है वो, जो इसके जस्ट पहले हमने देखा था। तो फर्स्ट यहाँ पे है 36/100, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो इसको यहाँ पे परफेक्टली एक बार डिवाइड करके देखो, 36 अंदर आएगा 100 बाहर, ये नंबर छोटा है शिवम, राइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक डेसिमल डालेंगे, यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा, अब डिवीजन पॉसिबल है, यस, सो 100 3 60 बचा, एक जीरो हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा होता है रूल, ठीक है, 100 × 6 करेंगे तो 600 हो जाएगा, डन, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया मतलब खत्म, ठीक है, यहाँ पे आप एक जीरो लिख सकते हो आगे। तो ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर यहाँ पे कुछ रिपीट हो ही नहीं रहा इसलिए नॉन रिकरिंग लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब कोई चीज बार बार रिपीट हो रही हो, ना रिपीट हो रही हो, तब लिखने का, यहाँ पे तो इसकी कहानी इधर ही खत्म हो गई। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड वन क्या है, 1/11, मतलब 1 अंदर और 11 बाहर, 11 से छोटा है 1, तो यहाँ पे मुझे डेसिमल लेना पड़ेगा ताकि ये 10 हो जाए, लेकिन 10 अभी भी छोटा है 11 से, तो एक जीरो यहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि आप यहाँ पे एक और जीरो ऐड कर सको। बेटा ये समझ में आया, डेसिमल इस तरह से कैसे किया, ये डेसिमल के आगे एक जीरो लिखना पड़ता है। ओके, अब इजीली होगा, 11 9 99, ओके, 1 बचेगा, 100 - 9 1 बचेगा। अब आप एक नंबर लोगे फिर से, यहाँ पे ये 10 हो गया, लेकिन 10 तो 11 से छोटा है, एक जीरो यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे एक जीरो और ऐड हो जाएगा, अब हो सकता है 11 9 99, यहाँ पे 1 आया, ठीक है। अब इस तरह से आप देखोगे कि बार बार 1 आएगा ही आएगा हमेशा, यहाँ पे एक नंबर जीरो तो कुछ नहीं हुआ, फिर से अगर आपको एक नंबर जीरो यहाँ पे फिर से लाना है तो एक जीरो यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, अब हो जाएगा 11 9 99। अब आप अगर ऑब्जर्व करो बार बार तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे बार बार ये 1 आ रहा है, बार बार 1 आ रहा है रिमाइंडर में, मतलब कौन सी चीज रिपीट हो रही है, 09 09 09 रिपीट हो रहा है। ओके, ये चलता जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर इस तरह से आएगा, 09 09 09, इस तरह से। और इसको आप लिखोगे कैसे, क्योंकि 09 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए आप लिखोगे 09 और ऊपर बार, जो चीज रिपीट होती है उसी के ऊपर बार लगाना है, तो 09 बार बार आ रहा है उसी के ऊपर बार लगाना है। फिर आगे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है थर्ड वन कैसा है, 3/13, हाँ 4/1 क्या लिखा है, 4/1/8 है, हाँ 4/1/8 है, मैं अभी नोटबुक चेक करूंगा सबने कितना लिखा है बेटा, 4/1/8 है। पहले इसको एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, शिवम इसको क्या करेंगे बेटा, कैसे होगा ये कन्वर्ट, 4/1/8 है, इधर कैसे होगा, ये क्या आएगा यहाँ पे, एट फोर सा 32 32+1 33, इतना आ गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 33 अंदर और 8 बाहर, काफी लंबा ये डेसिमल, काफी लंबा ही होने वाला है, लेकिन एक बार देख लो, 8 4 32, 1 बचेगा, ठीक है, अभी 1 तो छोटा है, तो यहाँ पे एक डेसिमल लगाया और 1 एक जीरो यहाँ पे आ गया, 8 1 8, फिर बचा यहाँ पे 2, एक जीरो लिखा,
8 2 16, फिर यहाँ पे बचा 4, एक 0 लिखा, 8 5 40, डन। इसके आगे कुछ हो नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया आपका। अगर आपका 0 आ गया मतलब के ये जो है 33.8 उसको आप डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखोगे, 4.125, फिनिश, दैट्स इट। तो ये कैसा है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, खत्म हो जाने वाली चीज जहां पे रिमाइंडर 0 आता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ओके, आई होप इतना लिख दिया होगा। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, इसी में अभी क्वेश्चन। यस बेटा, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन 4 है 3/13। अब 3/13 यहां पे बहुत ध्यान देना बच्चों, यहां पे जब आपको डिवाइड करना हो तो काफी मेहनत करने के बाद आपको लगेगा कि अच्छा ये रिपीट हो रहा है, ऐसा आसानी से आपको पता नहीं चलने वाला, इसलिए इसको मैं थोड़ा आगे तक करने वाला हूं। सो यहां पे 3 अंदर है और 13 बाहर है, राइट। तो ये डेसिमल यहां पे लिखा, यहां पे 0 किया, 13 2 26, यहां पे बचा 4, एक 0 आ गया, 13 3 39, 1 बचा, 0 आया, तो कुछ नहीं होगा, है ना। 10 यहां पे है, 10 छोटा है 13 से, तो यहां पे शिवम ध्यान देना, यहां पे 0 लिखा तब जाके ये 100 हुआ। ओके, अब इसके साथ कुछ हो सकता है, 13 7 91, यहां पे 9 बचेगा, एक 0 लिखा। देखो 13 7 91 हो रहा था, यहां पे तो 90 है, मतलब यहां पे 6 लिखूंगा, 13 6 जा तो कुछ होने वाला है, 13 5 जा क्या था, 13 5 जा 65 और 13 6 जा 78, यहां पे बचेगा कितना, बचेगा यहां पे 12 बचेगा, 12, लेकिन 12 भी 13 से छोटा है, तो यहां पे एक 0 डालना पड़ेगा, एक 0 आप डाल सकते हो, ठीक है, हम लोग कर सकते हैं एक 0, मैंने कभी मिस्टेक की है नहीं, ठीक है। तो 120 आया, 13 के टेबल में 120 के आसपास में कोई नंबर अगर है तो वो है, जब आप 13 9 सा करोगे तो आपको मिलेगा 130 - 13, दैट इज 117, यहाँ पे बचेगा 3, ये 0, कुछ चेंज हुआ, 169, ओके हाँ। अब देखो, अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग हुई थी ना, आपकी स्टार्टिंग हुई थी 30 से, राइट, यहाँ पे 30 फिर से आ गया, अब वही कहानी फिर से होने वाली है, 13 2 26, फिर से बचेगा 4, फिर 0, फिर से आप वही लिखोगे, 13 3 39, 1 बचेगा, ये होगा, ठीक है, फिर ये 0 हो जाएगा, इस तरह से ये सारा रिपीट होगा फिर से पूरा। तो कहाँ से रिपीट हो रहा है, 2 3 0 7 6 9, फिर से 2 3 0 7 6 9, तो यहाँ पे जो बार बार रिपीट होगा वो ये होगा 2 3 0 7 6 9, ये सबका सब फिर से रिपीट होने वाला है, ये सब कुछ रिपीट होने वाला है, इसलिए यहाँ पे बार लगा दिया। अब ये अगर बार लगा तो आप इसको बोल सकते हो कि किस तरह का नंबर है, ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होगा, रिकरिंग इसलिए क्योंकि ये वापस फिर से ये पैटर्न नजर आएगी, फिर से वापस बार बार आएगा, डन, ठीक है। अब मिटा दूं मैं इसको, बेटा मोबाइल अंदर रख देना, मिटा दूं ये मैं, लिखा शिवम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/11, इसको सॉल्व करना है हमें, ये फिफ्थ नंबर है, ये काफी जल्दी हो जाएगा, लेट अस सी, बट आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, 2 अंदर है और 11 बाहर, तो ये 2 नंबर छोटा है शिवम, 2 नंबर छोटा है, तो यहाँ पे अगर डेसिमल लिखोगे ना तभी ये 0 होगा। ओके, अब पॉसिबल है 11 1 11, बचेगा कितना 9, अब एक 0 यहाँ पे लगा सकते हो क्योंकि डेसिमल तो एक बार आ चुका है, तो 0 लगा सकते हो, 11 8 88, यहाँ पे बचेगा 2, एक 0 लगाओगे, 11 1 11, यहाँ पे फिर से बचेगा 9, फिर एक 0, फिर 11 8 88। अब हम लोग जैसा देख रहे हैं यहाँ पे बार बार कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है, देखो 1 8 1 8 1 8 रिपीट हो रहा है, तो ये इस तरह से होगा, 1 8 के ऊपर बार आएगा, 1 8 बार, मतलब कि ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, इतना हो गया। फिर दूसरा 329/400, ये नंबर अगर करना चाहो तो कर सकते हो, पूरा होमवर्क में ये वाला, यहाँ पे क्या करना होगा, 329 29, यहाँ पे 400 बाहर आएगा, आप यहाँ पे 1 से कर नहीं सकते क्योंकि छोटा है, तो डेसिमल रखोगे, यहाँ पे 0 लिखोगे, अब 4 के साथ में क्या होगा कि यहाँ पे 3290 तक आएगा, देखो 4 8 32 होता है ना, 32, यहाँ पे देखो 320 है, 4 8 32, यहाँ पे बचा 90, अभी भी एक नंबर अगर एक 0 लिख सकते हैं हम लोग, 4 2 8 800, 100 बचा,
एक और जीरो लिख सकते हैं, 4 × 2 करेंगे तो 800 होगा, यहाँ पे बचेगा 200, एक जीरो आ गया, 400 × 5 करेंगे तो होगा 2000, डन, जीरो आ गया। तो ये जो है इसका तो सिंपल आंसर है 0.8225, दैट्स इट। ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। देखो नॉन रिकरिंग तब लिखोगे ना जब आपको बताना पड़े कि कुछ चीज जो रिपीट हो रही है वो बार बार रिपीट नहीं हो रही, ऐसा। खाली डायरेक्टली टर्मिनेटिंग आ गया ना, टर्मिनेटिंग आ गया मतलब कि वो एक यूनिक नंबर है जो जिसमें सब नंबर अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा, और वो कभी रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा पूरा। जैसे 1/5, जैसे 2/12, जैसे 10/20, उसके लिए कुछ नहीं होता क्योंकि वो डायरेक्टली खत्म ही हो जाएगा। एक बार डिवाइड किया आपका आंसर क्या आया, जीरो, रिमाइंडर में आंसर आया जीरो, तो वहां पे फिनिश। तो ये तो था कि आप किसी भी नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को आप डेसिमल में लिखो तो कैसे लिखेंगे। ओके, अभी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 2 बहुत जल्दी हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिटाने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, यू नो दैट, आपको पता है कि 1/7 जो है उसका आंसर ये आता है 1.142857, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है और इस तरह से आपको दिया हुआ है कि 1/7 जो है उसका आंसर इस तरह से आता है। तो क्या आप बता सकते हो कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ये सब बिना आपको, बिना डिवीजन किए आप इसका आंसर लिख सकते हो, ऐसा बोला है, ठीक है। ओके, तो इनका आंसर डिवीजन किए बिना लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, राइट, ऐसा बोला कि विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, जैसे डिवीजन करके ही आंसर ये आया था, लेकिन इन सब का आंसर डिवीजन करके नहीं लाना है आपको, बिना डिवीजन किए लाना है। तो इनमें आप क्या करोगे, 2/7 है उसका मतलब कि मैं ऐसा लिखता हूँ ना, 2 × 1/7, राइट है, 2 × 1/7 मतलब कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 0.142857, ये सब, ठीक है। हम जानते हैं कि ये डेसिमल, ये फिर से रिकरिंग होने वाला है, तो मल्टीप्लाई करना है बच्चों, यहाँ पे सिंपल आप लोग का मल्टीप्लिकेशन काम में आने वाला है पूरा, 1, 4, 2, 8, 5, 7, ठीक है, इंटू 2। अभी मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में, टेस्ट में कैलसी अलाउड नहीं होगा, इसलिए जितनी अच्छा, जितनी आपको आदत पड़े ना इस तरह से करने की करो। 7 × 2 = 14 कैरी 1, 5 × 2 = 10 + 1 = 11 कैरी 1, 8 × 2 = 16 + 1 = 17 कैरी 1, 2 × 4 + 1 = 5, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 2, तो क्या आया आंसर आपका, आपका आंसर आएगा 2, 8, 5, 7, 1, 4, ठीक है। अब ये रिपीट होने वाला है ऐसा, तो ये एक आंसर आ गया। आपने यहाँ पे डेसिमल, आपने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया, डायरेक्टली आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा है। जैसे 2/7 का किया है वैसे 3/7 का भी हम लोग कर सकते हैं, 3 × 1/7 लिखेंगे, 3 × 1/7 कितना था, 1/7 था ये, 0.142857, डन। और वैसे ही यहाँ पे आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 1, 4, 2, 8, 5, 7 × 3, 7, 3 = 21, 3, 5 = 15 + 2 = 17 कैरी 1, 3, 8 = 24 + 1 = 25 कैरी 2, 3, 2 = 6 + 6 + 2 = 8, 4, 3 = 12 कैरी 1, 3, 1 = 3 + 1 = 4, तो यहाँ पे आंसर आया 4, 2, 8, 5, 7, 1। ये जैसे 2/7, 3/7 किया वैसे ही 4/7 कर सकते हैं, 5/7 कर सकते हैं, 6/7 कर सकते हैं, डन, ठीक है। खाली आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में रॉन्ग किया मतलब आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और ये बार लगाना मत भूलना आपके आंसर में, राइट। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया है, तो जो बाकी के हैं 4/5 रहना, बट इज ट्राइंग टू जॉइन। सो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है लेकिन इजी है, इससे इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी है, जिसके ऊपर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे आपके टेस्ट में, ओसवाल की बुक में और एनसीईआरटी की बुक में, इन सब में, ठीक है। अब मैं मिटा दूं इसको, बेटा मिटा दूं, चलो अब क्वेश्चन 3 देखते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर का मेन अच्छा टॉपिक है ये। आपको क्वेश्चन 3 में बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, मतलब आपको एक डेसिमल नंबर दिया होगा, जैसे ये है, ये फर्स्ट है आपका 0.6 बार, मतलब क्या कि 0.666666 ये होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो इस नंबर को आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ऐसा, इसको आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, वो है। ओके, तो इसकी बहुत अच्छी एक मेथड है, पहले आप रेडी हो जाओ कि यहां तक आपको समझना है, फिर अपने आगे करते हैं, ठीक है।
शिवम पारस, मैं अभी समझाने जा रहा हूँ ये। चलो अब हमें पता नहीं है कि ये कौन सा नंबर होगा जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में यहाँ पे आ पाएगा। 0.6666 है, उसको इस तरह से फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन 2 का ऑपोजिट है। क्वेश्चन 3 है वो आपको इसमें ऐसा दिखाएंगे नहीं, लेकिन क्वेश्चन 3 जो है वो क्वेश्चन 2 का ऑपोजिट है। क्वेश्चन 2 में आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ था जो रिकरिंग था यहाँ, और सॉरी उसको आपको इसमें दिया हुआ था पहले से ही कि p अपॉन q वाला कौन सा फॉर्म है, 2/7 है, 3/7 है, 4/7। वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है कि अगर डेसिमल में दिया हो पूरा पूरा तो वो फ्रैक्शन कौन सा था, वो रैशनल नंबर क्या था वो, ठीक है। तो मान लो मुझे पता नहीं है कि इसका ये p अपॉन q फॉर्म क्या होगा, तो मैंने x मान लिया, ठीक है। x मतलब के मैंने इसको ऐसा माना कि x इक्वल टू 0.66666, ठीक है बेटा, ओके ये मान लिया मैंने। इसको आप बोल दो 1, ये आपका 1 है। क्यों मैंने 1 लिखा है आपको आगे पता चलेगा। अब देखो, अब जो इंपॉर्टेंट स्टेप में बोलने जा रहा हूं वो ध्यान देना, क्योंकि वैसा ही हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करने को आएगा। अब देखो यहां पे बार कितने नंबर पे है, एक नंबर पे है, एक ही नंबर पे बार है ना। अगर एक नंबर पे बार है मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ओके। बोथ साइड्स मतलब क्या, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10x हो जाएगा ना, राइट और नॉट, 10x हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6.66666 ऐसा हो जाएगा, राइट। इसको नाम दे दो 2। ये मेथड आपको हमेशा अप्लाई करनी है, काम में आएगा, ठीक है। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम 2। हमेशा बड़े नंबर से, बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो पाता है। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 क्या है 10x है, तो मैंने लिखा 10x, ऊपर क्या है x, ऐसा कर दिया 10x-x। वैसा यहां पे क्या करूंगा मैं, 6.66666 करते करते ऊपर x क्या था, ऐसे कर देता हूं, ठीक है। x क्या था अपना, x था अपना 0.66666, ऐसा होता जाएगा, होता जाएगा, ओके। तो 10x-x कितना आएगा, वो आएगा 9x इक्वल टू, देखो अब यहां पे, यहां पे ये सारे के सारे 6666 और ये भी 6666 है, इन सब का आंसर 0 आने वाला है, डेसिमल 6-0 आंसर 6, ठीक है। तो यहां पे जो 6 आया मतलब के 9x इक्वल टू 6 आया, 9x इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 6/9 ऐसा लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग आगे डिवाइड करें स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर मैं कन्वर्ट करूं 3 2 3 3 3 राइट, 3 2 3 3 3, तो मुझे पता चल गया कि ये जो 0.6666 है वो कौन सा रैशनल नंबर था, वो ये रैशनल नंबर था 2/3, ठीक है, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 0.6 बार इज एक्चुअली 2/3, डन। अब मैं इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस, अरे यार टाइम भी होने वाला है, फटाफट मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। चलो तो ये लिख दिया सबने, अब आगे कर लेते हैं क्वेश्चन 3 के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे है 0.47 और 7 के ऊपर बार है, ओके। तो ये नंबर कौन सा रैशनल नंबर है वो फाइंड आउट करना है, हमें पता नहीं है तो x मान लिया, x मतलब के मैंने ऐसा माना है 0.47777, ये 7 रिपीट हो रहा है शिवम, 7 रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 7 के ऊपर बार है, तो ये आपका हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था कि 7 के ऊपर है, कितने नंबर के ऊपर बार है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई बाय 10। अगर दो नंबर के ऊपर बार होता ना, ऐसा दो नंबर के ऊपर बार होता तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते 100 से, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ, यस यस यस, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही बार है मतलब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, अब दोनों तरफ अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया 2000 से, यस बस वही वही लॉजिक है बेटा, वही लॉजिक है। अब मैंने यहाँ पे 10 से किया तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10x, ये क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल एक प्लेस इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 4.7777 इस तरह से, तो ये आपका हो गया 2। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, डन। तो 2 में से हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 4.777 इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.477 इससे, तो ये 10x-x, ये तो 9x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हाँ बेटा रहना बोलो क्या हुआ सर, ये वाला मैं थोड़ा बाद में समझाओगे मुझे, हाँ हाँ कोई बात नहीं आपको समझाऊंगा बेटा, और आपके लिए ही मैं स्टार्टिंग से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
ताकि जब आप लास्ट में तो ज्वाइन हुए। पता नहीं क्या हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, चलता है, नेटवर्क इशू मैं जानता हूँ, होता रहता है बेटा, इट्स ओके। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना, माइनस करते वक्त ध्यान देना, 7 7 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 7 7 है, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 आंसर क्या आएगा, 3, 4 माइनस 0 आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 9x = 4.3 आ रहा है, मतलब x = 4.3/9। अभी भी इसको आप अलग तरीके से लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, देखो आप 4.3 को 43 अपॉन 10 लिख सकते हो ना, 4.3 को 43 अपॉन 10, तो मैं वैसे ही करूंगा 43 अपॉन 10, और ये नीचे 9 था वो तो 9 इसके साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा 43 अपॉन 90, x = 43 अपॉन 90। क्योंकि वो फिर मैं मिटा भी नहीं पाऊंगा, ओके। तो ये आपका आंसर, कुछ नहीं किया, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। तो 43 अपॉन 90 ये है आपका रैशनल नंबर जो आप फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे थे, 43 अपॉन 90। ऐसा इंपॉर्टेंट है कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 नंबर के ऊपर बार है, तो वैसा ये क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्क का, 3 मार्क का, ऐसा सकता है। और ये इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं बेटा, आते हैं ये क्वेश्चन आएंगे, मैं भी पूछूंगा ही पूछूंगा, 110% पूछूंगा मैं। चलो हाँ हाँ, अब मैं आपको समझाने, अब मैं आपको टेस्ट करने के लिए एक क्वेश्चन दूंगा, जहाँ पे इधर जितने भी महानुभाव लोग बैठे हों सबको, यस यस बच्चा, ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही होगा, लॉजिक वही रहेगा, लॉजिक सेम टू सेम वही रहेगा। शिवम रेडी बेटा, चलो ये फाइंड आउट करो। हाँ, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं बेटा, आप भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर ना है तो कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट के बाद सॉल्व करूंगा खुद। सर एक बार मैं ट्राई कर सकती हूँ? ट्राई तो करो, कोई बात नहीं, ट्राई करने में किसने रोका है, मेरे को तो और अच्छा लगता है कि स्टूडेंट अपने आप ट्राई कर रहा है, कम ऑन। आप लोग कुछ सॉल्व कर सकते हो, खाली स्क्रीन पे मत देखना, क्योंकि मैं भी सॉल्व करने जा रहा हूं, ओके। डन बेटा, वेरी गुड, इसका मतलब अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया है, आपको कुछ प्रश्न होमवर्क में दिए जा सकते हैं, क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा सकते हैं, और कृपया करके वो क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करें। यस, 47 अपॉन 99, तो आपने माइनस में मिस्टेक की है, देख लेना। हाँ, क्योंकि दो बार है तो 100 लिया है ना, क्योंकि देखो 0.47, अरे यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं है, क्या हो गया। अच्छा शिवम बेटा, आपका आया आंसर, आपका आंसर आया, देखो इसको सॉल्व करो ऐसे बेटा, ये डेसिमल दो दो प्लेस राइट साइड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनटू 100 है, तो ये हो जाता है 47.4747 ऐसा। अब इसके ऊपर से जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोग का टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, और आपको वो क्वेश्चन, हाँ बेटा हाँ, एक बात बोलूँ, जब मैंने पहली बार ये देखा था ना, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये है क्या, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन जब मैंने देखा कि हाँ अच्छा ऐसा है कि इसका बार बार के ऊपर ही है सब कुछ, कोई तो लॉजिक है। हाँ ये एक्चुअली मैंने भी ये देखा था, मैंने भी एक यूट्यूब के वीडियो में ही देखा था, जो मैं आपको पता बता रहा था। हाँ बड़ी तरह, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे भी 3 नंबर है, 3 नंबर के ऊपर बार है, तो हाँ
इसका मतलब कि ये क्या है, ये है 001 001, और ये ऐसा होता जाएगा। तो यहाँ पे तीन नंबर है, तो तीन नंबर है मतलब कि मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000x। यहाँ पे डेसिमल जाएगा तीन स्टेप आगे, एक दो तीन, तो 1.001001 ऐसा होता जाएगा। सो दिस इज 1, दिस इज 2, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1 मतलब के 1000x माइनस x, तो ये हो जाएगा 999x। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1.001001, ये होता जाएगा। और क्वेश्चन में यस बेटा यस, 1 ही आएगा, यहाँ पे आएगा 1। तो यहाँ पे होगा 999x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/999। ऐसा नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है कभी कभी, एक अलग हर इंसान एक अलग स्टेट में होता है। और वैसा ही नहीं, नहीं कोई बात नहीं, मैं कहूँ मैंने कहाँ से देखा, मैं आपको ईमानदारी बोलूँ, मैंने आज सुबह YouTube वीडियो में से देखा, मैंने अच्छे से उसको समझा, फिर जब मैंने समझा तो मैंने उसको अच्छे से नोट्स बनाए कि मैं इसी में से पढ़ाऊंगा, मैं खुद सॉल्व करूंगा, ऐसे देखूंगा नहीं खाली। तो मैंने देखा, जब मेरे को समझ में आ गया तो मैं कहा बस अब मैं इसके ऊपर से कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूं, फिर मैं इसको फिर से छूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को इसकी मास्टरी हो गई। वो लास्ट ईयर मैंने इसको समझने का ट्राई किया था विदाउट, हाँ अभी अभी आदत हो चुकी है। ये मैं जानता हूँ बेटा, ये कैसा है, जैसे कि आप क्रिकेट क्रिकेट खेलते हो ना, तो पहली बार अगर कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में गया तो खेल नहीं पाएगा, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार जब गया तो जानेगा कि अरे इधर ऐसा होता है। नहीं तो ये हो गया, हम लोग को भी जैसे आदत पड़ गई है कि जैसे अभी पढ़ाने में लास्ट ईयर जो तकलीफ आई थी उसका सॉल्यूशन अब क्या होगा। यस यस यस, और हर एक हर बेचारे हर टीचर के पास में ये सारे रिसोर्सेज नहीं है जो लकीली थैंक गॉड हमारे पास अभी है। ठीक है, दीज आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच हैज टू बी डन एज होमवर्क, HW मतलब होमवर्क। ठीक है, अब मैं होमवर्क के भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, वाह। एक बार मैथ आ जाए तो इंसान ऐसे ही बन जाता है फिर, चलो ओ माय गॉड, हाँ चलो अच्छा है। अब मैं आप लोग को सिंपल क्वेश्चन दूंगा, जो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही एक ही टॉपिक पे दूंगा क्वेश्चन। राइट इन पी अपॉन, शिवम बेटा आपको समझ में आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, ये रिकॉर्ड हो रहा है इसे इसको देखने का आप लोग को चांस मिलेगा। राइट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, ठीक है, इसमें कुछ नंबर्स हैं जो आप लोग लिख लो, तो आपको उसमें थोड़ा बहुत पता चलेगा कि अच्छा ये सब सॉल्व करना है घर पे आराम से। 6, 7 के ऊपर ये बार है, सेकंड क्वेश्चन है 0.23 इसके ऊपर बार है, थर्ड क्वेश्चन 0.532 इन तीनों के ऊपर बार है। तीन क्वेश्चन कैसे दे सकता हूँ, वो उसको पूछेंगे नहीं लोग, वो तो आराम से हो जाएगा उसको, तो जैसे कि देखो ये गुड क्वेश्चन है, जैसे ये है बेटा 0.25, अब इसको मुझे पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टली ऐसा लिखूंगा 25/100, फिर इसको सॉल्व कर दूंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये आ गया 1/4। 7 के ऊपर बार है, यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, हर एक में एक एक दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। डी ई ई में अब दो वाले के ऊपर बार होना चाहिए, दो वाले के ऊपर बार दूं तो इसमें लेट्स से 8, 4 दो के ऊपर बार, फिर एफ में 3 के ऊपर बार होना चाहिए। हाँ हाँ आ सकता है, चलो मैं ट्राई करने के लिए आपको देता हूँ। ई एफ जी कुछ तो होना चाहिए अननोन, इसको आप देख के थोड़ा सा सोचो कि ये क्या हो गया, ये वो अननोन सॉल्व होगा, जी वाला जो थोड़ा माइनस करते हो बहुत ध्यान देना, एकदम करके ऐसे माइनस मत करना, उन्नति माइनस करते हो मुझसे ओरली मत पूछना, मैं ओरली नहीं बोला। कुछ और क्वेश्चन देता हूँ, एफ जी एफ एफ जी और एच, ये भी सही भूल गया। यस बेटा यस, ये एक लास्ट बस एक एच, जैसे मेरा क्या था कि हर एक का तीन 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 दो, इसका तीन हो गया, इसका इसको बुरा लग गया लेकिन चलेगा, इसको नहीं लगना चाहिए इसको। 0.125 यहाँ पे ये, ठीक है बस ये है आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जिसमें आपको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है। ओके इंपॉर्टेंट है आपको ये वाले क्वेश्चन, मैं भी ट्राई करूंगी बेटा, आपको भी ट्राई करना है घर पे होमवर्क पे, होमवर्क इंपॉर्टेंट है। बार बार मतलब कौन सा बार, जैसे ये वाला बार, ये बार कितने नंबर पे है, दो नंबर पे है, दो नंबर पे है मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा ये ध्यान में रखना, अगर भूल गए तो गया खत्म फिर। और ये सेम टू सेम जो मैंने आपको जो भी आज पढ़ाया है इसका वीडियो बन जाएगा, रिकॉर्ड होगा और फिर आपको डायरेक्टली भेज दूंगा मैं ग्रुप में। आज का होमवर्क है ये, इतना सॉल्व करना है बेटा कुछ भी करके। ओके
यस यस ठीक है, ये सॉल्व करना है होमवर्क में, और कल हम लोग करेंगे मैथ करेंगे एक घंटा। लेकिन कल तो स्कूल की छुट्टी है तो सुबह रख सकते हैं ट्यूशन आप? कल आपके स्कूल की छुट्टी है? हाँ कल और परसों देखते हैं दूसरे स्कूल की छुट्टी है कि नहीं। बेटा आप लोग के स्कूल का कैसा है? शिवम आप लोग का चालू है तो आप लोग आराम से उठना, आराम से ये कर लेना पूरा, ठीक है? ओके बेटा रहना, क्लास खत्म होता है यहीं पे, टेक केयर, बाय बाय। कल बेटा मैथ्स कल, अच्छा ओके डे कल कौन सा डे है? कल कल ट्यूजडे है, ट्यूजडे हाँ शायद होगा, उन लोग का कोई फेस्टिवल होगा बेटा, कहीं कहीं बैसाखी तो नहीं है बैसाखी? चलो बेटा बाय, टेक केयर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय।